पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर का यह जन्म शती वर्ष है। सही अर्थों में वाकणकर जी एक जीवंत किंवदंती थे। उन्होंने मालवा सहित भारत के विविध अंचलों के पुरातत्व और इतिहास के अनेक अनछुए पहलुओं को उद्घाटित किया। लगभग 50 वर्ष पहले उन्होंने भोपाल के समीप भीमबेटका नामक स्थान पर प्रागैतिहासिक शिलाश्रयों की खोज की और वहाँ की जो चित्र श्रृंखला है उसका गहन अध्ययन किया और उसके माध्यम से उन्होंने यह प्रकट किया कि भारत अनादिकाल से मानव सभ्यता की महत्वपूर्ण रंग स्थली रहा है। इस शैलाश्रय में अनेक भांति के चित्र अंकित किए गए हैं जिनके माध्यम से उस दौर का जनजीवन, आखेट, विभिन्न प्रकार के दैनंदिन क्रियाकलाप के दर्शन तो होते ही हैं, इसके साथ ही उस युग का मनुष्य किस प्रकार नृत्य, संगीत, अभिनय आदि कलाओं के माध्यम से आत्मा अभिव्यक्ति करता था, इस बात का निरूपण भी उन चित्रों के माध्यम से दिखाई देता है। वाकणकर जी ने वैदिक लुप्त सरस्वती की खोज भी की। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने पुरामहत्व के स्थलों के अन्वेषण में लगाया और न सिर्फ अन्वेषण किया वरन विश्व के समक्ष उनकी विशेषताओं को रेखांकित किया। यही कारण रहा कि भीमबेटका की वो जो शिलाश्रय श्रृंखला है उसका महत्व आज विश्व स्तर पर मान्य हुआ है। वह स्थान विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित किया गया है। वाकणकर जी ने मालवा क्षेत्र के कायथा, दंगवाड़ा, इंदरगढ़, रूणीजा, नागदा जैसे अनेक पुरा स्थलों का अन्वेषण किया और उनमें जो मानवीय सभ्यता के पुरावशेष उपलब्ध थे उनकी गहरी पड़ताल की। उनके व्यापक अवदान को लेकर भारत सरकार ने 1975 में पद्मश्री की उपाधि से उन्हें समलंकृत किया। मैं वी श्री वाकणकर जी की पावन पुण्य स्मृति को नमन करता हूँ। वस्तुतः यह राष्ट्र ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व उनके अवदान को कभी विस्मृत नहीं कर पाएगा।